एक ओर कोरोना संक्रमण के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है, वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन की आड़ में कालाबाजारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला पाली का है, जहां जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सिरियारी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो दुकानों पर छापेमारी कर करीब 1.5 लाख रुपए के तंबाकू और गुटखे बरामद किए। इसके अलावा पुलिस ने धनला निवासी मोहनलाल मीणा की दुकान पर भी दबिश दी, जिसमें 95 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इसी के साथ